ये जंग बलिया के जनता की थी और बलिया की जनता ही जीती है। जनपद बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासन काल में रंगा नाच किया है, उसके विरुद्ध जो आक्रोश है और जितना इन लोगों ने उत्पीड़न किया है, उससे जितने लोग दुखी हैं, उन सारे लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है आज की विजय। और ये दिशा संकेत है भविष्य के लिए, 2022 के लिए, कि अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। शुरुआत बलिया से होगी। बता दीजिए, आज 6 फर्जी वोट पाए गए मतदान के दौरान, क्या कहना चाहेंगे? 6 फर्जी वोट किसके थे? देखिए, 6 फर्जी लोग थे और 6 फर्जी लोग थे, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इन 6 लोगों का प्रवेश पहले ही वहां करा दिया गया था और इसमें निश्चित रूप से संपूर्ण प्रशासन का और जिलाधिकारी का दोष नहीं है, लेकिन पुलिस के कुछ मिले हुए अफसर ऐसे थे। ये जंग बलिया के जनता की थी और बलिया की जनता ही जीती है। जनपद बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासन काल में रंगा नाच किया है, उसके विरुद्ध जो आक्रोश है और जितना इन लोगों ने उत्पीड़न किया है, उससे जितने लोग दुखी हैं, उन सारे लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है आज की विजय। और ये दिशा संकेत है भविष्य के लिए, 2022 के लिए, कि अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। शुरुआत बलिया से होगी। बता दीजिए, आज 6 फर्जी वोट पाए गए मतदान के दौरान, क्या कहना चाहेंगे? 6 फर्जी वोट किसके थे? देखिए, 6 फर्जी लोग थे और 6 फर्जी लोग थे, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इन 6 लोगों का प्रवेश पहले ही वहां करा दिया गया था और इसमें निश्चित रूप से संपूर्ण प्रशासन का और जिलाधिकारी का दोष नहीं है, लेकिन पुलिस के कुछ मिले हुए अफसर ऐसे थे। ये जंग बलिया के जनता की थी और बलिया की जनता ही जीती है। जनपद बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने शासन काल में रंगा नाच किया है, उसके विरुद्ध जो आक्रोश है और जितना इन लोगों ने उत्पीड़न किया है, उससे जितने लोग दुखी हैं, उन सारे लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है आज की विजय। और ये दिशा संकेत है भविष्य के लिए, 2022 के लिए, कि अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। शुरुआत बलिया से होगी। बता दीजिए, आज 6 फर्जी वोट पाए गए मतदान के दौरान, क्या कहना चाहेंगे? 6 फर्जी वोट किसके थे? देखिए, 6 फर्जी लोग थे और 6 फर्जी लोग थे, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इन 6 लोगों का प्रवेश पहले ही वहां करा दिया गया था और इसमें निश्चित रूप से संपूर्ण प्रशासन का और जिलाधिकारी का दोष नहीं है, लेकिन पुलिस के कुछ मिले हुए अफसर ऐसे थे।